तो विलेज का मॉर्निंग करना चाह रहे हैं। सुबह सुबह बर्ड का वॉइस सुनने मिलता है। ज्यादा धुम्मस गिरा हुआ है खेतों में, अभी सूर्योदय होने वाला है। सुबह सुबह बर्ड का वॉइस सुनने मिलता है ज्यादातर है। मजा नहीं आ रहा है। तो टाइगर रात को यहाँ पर बैठा रहता है पूरी रात चौकीदार बनकर। दोस्तों अब कॉटन का रूख कितना फाट निकला है वो दिखाता हूँ आपको। व्हाइट व्हाइट फूल जैसा हो गया है पूरा खेत। तो दोस्तों देखिए कितना रूख फाट निकला है फूल जैसा। चारों तरफ देख लीजिए दोस्त। टाइगर यहाँ पर सो रहा है और नई गाय की बछड़ दी आई है। ये देखो इस गांव की बछड़ दी है। टाइगर आ जाए पापा। टाइगर यहाँ पर सो रहा है और यहाँ पर हम लोग पक गए थे। दोस्तों देखिए और ऐसे खाते और यहाँ पर हमारा खेत है। ये देखो
बहुत ही बड़े बड़े बोती हो गए। दीवांग यहाँ पर खड़ा है यहाँ करपुला में, और यहाँ वासीदा पानी हो रहा है, गाय का गोबर भर रहे हैं अभी टिल्ली का, और पाटुमा है वो तीतू तीतू का जाफराबादी तीतू, पर आम के पेड़ ज्यादा बड़े बड़े हो गए हैं। दोस्तों बहुत दिन के बाद ब्लॉग बनाया है, ये बड़ा पेड़ हो गया है, आपूस का पेड़ है, आपूस आम का। और दूसरा दिखाता हूँ वो वालोरिया है, और वो गल का है, देखिए ऐसे ऐसे लगे हुए हैं। और केस्टले पे लगे हुए देखिए, हार्वेस्ट कर लिए अभी, थोड़े छोटे छोटे रह गए। अरे हमारा नेपियर घास है बड़ा बड़ा, और शुगर का साठा है बड़ा हो गया है, 20 फीट का, आम से भी बड़ा हो गया है। अभी इसको हार्वेस्ट नहीं करेंगे, देर लगेगी, थोड़े दिन के बाद करेंगे, आपको दिखाएंगे। और कितने कुंपन फूट निकले हैं, 4-5 फूट निकले। रेड शुगर है और ये चौरी है दोस्तों, ऐसे फूल आते हैं किचन गार्डन में। सर्दियों में लगाई हुई चोरी है, फूल आ गए अभी। और अरहर है पीला फूल वाली, और रेड फूल वाली भी है, वो भी दिखाता हूँ आपको, रेड फूल वाली है देखिए। उसको ज्यादा सींगे आती है ऐसी, ये पुराना कुआर है, यहाँ पर अमरूद के छोटे छोटे पौधे हैं। क्या बोलते हैं, सक्तरिया, ये ज्यादा अरहर लगाई हुई है लाइन में यहाँ पर, रेड वाली। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर लेना, थैंक यू।